नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड कलर किचन सीरीज एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कलर किचन सीरीज में हमारे साथ है प्रीति सिंघानिया जी, जो है वेल नोन इंटीरियर डिजाइनर और योरवे इंटीरियर डिजाइनर की वो ऑनर भी है। प्रीति जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अभी तक के 2 एपिसोड में हमने काफ़ी सारी बातें आपके साथ शेयर की है और काफ़ी सारी महिलाओं को इससे फ़ायदा भी हुआ है और काफ़ी फीडबैक भी हमें मिला है। तो पहले प्रीति जी से मैं वो बात शेयर करना चाहूँगी। प्रीति जी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी हमारे एपिसोड के अंदर हमें मिले हैं, पर आप कुछ शेयर कीजिए कि हमें किस तरह का फीडबैक मिला है। थैंक यू यामिनी जी, वंस अगेन। हमें इस तरह से फीडबैक मिला है, जैसे कि कुछ लोगों ने हमको बोला कि अपने क्रिएटिव कॉर्नर्स आप इंक्लूड कीजिए, किसी ने बोला हमको कि ग्रीनरी आप इंक्लूड कीजिए, और किसी ने बोला कि जैसे कि हमको मेंटेन नहीं करना पड़े, क्लीन नहीं करना पड़े किचन, तो उसके लिए भी कोई सॉल्यूशंस बताइए। तो और कितने जैसे कि हम लोग के 7 फिट से कैबिनेट्स होते हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा मोस्टली एक लेयर जम जाता है, तो वो भी अपने को चढ़ के क्लीन करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे 4-5 सवाल ऐसे आए हैं, उसका हम लोग फीडबैक देते रहेंगे आपको। उन्होंने जिसने हम आपको क्वेश्चंस भेजा है उनको हम रिप्लाई भी दे रहे हैं। ये मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि यूटिलिटी कॉर्नर्स भी उन्होंने बोला कि उसकी जगह पर हम लोग क्रिएटिव कॉर्नर्स बना रहे हैं, सिटिंग एरियाज बना रहे हैं। तो दिस आर द थिंग्स वी आर टोटली इन्वॉल्व विद द अदर्स। और आपके और भी फीडबैक्स के लिए मैं है ना तैयार हूँ, आपके क्वेश्चंस के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल लेडीज, सो बी विद अस। जी, बहुत ही अच्छी बात है कि जो भी हमें किसी भी किचन के रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहता है, ज़रूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं और मैसेंजर में भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं। तो अभी तक के जो हमारे एपिसोड थे उसमें काफ़ी सारी बातें बताई है, लेकिन अभी मैं आपको जो क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ तो उसी के बारे में आप हमें बताएंगी कि आपका जो पोजीशन है किचन में वो किस तरह का होना चाहिए, सिटिंग होना चाहिए, स्टैंडिंग होना चाहिए, तो वो बताइए। सिटिंग और स्टैंडिंग अपन दोनों कंफर्टेबल, एक तरह से बैलेंसिंग होना चाहिए अपना इस तरह से, क्योंकि आजकल के काम करने के तरीके काफ़ी तरीके से चेंज होते जा रहे हैं। सबके जो वर्किंग लेडीज होने के कारण उनको इंस्टेंट काम भी चाहिए, और एज अ लॉन्ग टर्म काम करने के लिए वी नीड अ सिटिंग पोजिशन। जब आप बैठते हो तो आपका एक माइंड स्टेबल होता है, और जब खड़े रहते हो तो फ्रस्ट्रेशन होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप खड़े रहते हो, तो उसको अपन बैलेंसिंग में ले सकते हैं। वी कैन मिक्स अप द होल कॉन्सेप्ट टुगेदर। अब इसके अंदर जैसे कि अपने काफ़ी चीज़ें जो हमने बेनिफिट्स देखे हैं स्टैंडिंग के और किचन के, सिटिंग के टाइम पर अपन रिड्यूसेस लो बैक पेन, अपने हेडेक्स को भी अपने को कम करता है, इंक्रीज एनर्जी लेवल्स, फिर लेस टेंशन इन योर शोल्डर्स एंड नेक, नेक के अंदर भी आपका कम आता है प्रेशर अगर आप सिट कर रहे हो तो, डिक्रीज रिस्क ऑफ एबनॉर्मल वेयरिंग ऑफ जॉइंट सर्फेसिस, इंक्रीज लंग्स कैपेसिटी, इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड डाइजेशन। ये अपन बैठते हैं तो अपने को ये सब फायदे होते हैं, और अपने है ना खड़े रहते हैं तो उसके भी फायदे हैं, ये भी इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट। स्टैंडिंग लोअर्स योर रिस्क ऑफ वेट गेन एंड ऑबेसिटी, यूजिंग अ स्टैंडिंग डेस्क मे लोअर ब्लड शुगर लेवल्स, स्टैंडिंग मे लोअर योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, स्टैंडिंग डेस्क अपीयर्स टू रिड्यूस बैक पेन, स्टैंडिंग डेस्क हेल्प्स इम्प्रूव एंड एनर्जी लेवल। तो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग। तो एक अपन ये नहीं कह सकते कि खाली खड़े रहो या खाली बैठे रहो, दोनों को अपने को बैलेंस करके चलना है कि आपको किस टाइम पर बैठना है। प्री कुक करते समय आप बैठ सकते हो, आप अलर्ट ऑफ द कुकिंग करते समय आप खड़े हो सकते हो, ये चीज़ अपनी बैलेंसिंग हो गई। और कभी कभार अपने मेड्स के लिए भी है तो उसके अंदर भी अपन चेंज कर सकते हैं कि आप व्हेन वी आर डूइंग द यूटेंसिल्स एंड ऑल दैट, अपने आपको लॉन्ग टाइम हुआ तो उसके अंदर भी आप बैठ के अपने दे सकते हैं ऑप्शन, और फिर बाद में अपने खड़े होकर, जैसे आपको छोटी छोटी क्रॉकरीज होगी जैसे कि टाइम कंज्यूम नहीं करती, राइट, यू कैन टेक इट इन द स्टैंडिंग पोजिशंस। अब इसके अंदर अपने जैसे कि हम
काफी चीज आपको इमेजेस में दिखा रहे हैं, आप है ना बर्तन के टाइम पर आप खड़े हो रहे हो, फिर आप है ना मीन्स वॉशिंग के टाइम पे खड़े हो रहे हो, चॉपिंग के टाइम पे आप खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, क्लीनिंग के टाइम पे आप खड़े होके और बैठ के कर रहे हो। हमने आपको दोनों पोजीशंस दिखाई है इस पिक्चर्स में, तो यू कैन विजुलाइज दिस थिंग इन दिस आल्सो। जी तो आपको मतलब किचन में कितने आवर्स बिताते हैं आप, उसके बारे में आपने बताया प्रीति जी। और इसके बाद जो है कि किचन के अंदर कितने घंटे औरत बिताती है उसके बारे में बताइए, और किस तरह से काम करती है, और किस तरह के कितने हवर्स वो किस किस काम के लिए बिताती है। अपने है ना मिस किचन में अपन जब काम करते हैं तो मॉर्निंग टू नाइट अपने काम करते हैं, और मैं कितने घंटे बिताने का मतलब ये नहीं है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डे। मैं इसके यहाँ संबंधित करती हूँ, जैसे अपने फेस्टिवल्स आते हैं, अपने व्रत आते हैं, तो अपने जो खाना बनाते हैं तो अपना क्या टाइम अपना ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने जो फ्रेंड्स आते हैं या फिर अपने बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तब अपने कोई गैदरिंग्स होती है, संडे पार्टीज होती हैं, तो मेरा रिलेटेड है उससे कि कितने आवर्स अपन किचन से अपन रिलेटेड रहते हैं। और मैं देख रही हूँ जैसे कि हम लोग के मारवाड़ीज भी हैं, गुजराती भी हैं, तो कितने भी सब प्रांतों में कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स और फास्टिंग रहती है कि 2-3 दिन या 10 दिन ही जाते हैं, आपको एक चीज़ आ ही जाती है, तो उस टाइम आपको है ना ज़्यादा दिन तक किचन में खड़ा भी रहना पड़ता है, कुक भी करना पड़ता है। एज अ नर्स आपको कोई अगर बीमार हो गया हो तो आपको 10 वेरायटीज देनी पड़ती है, कभी कुछ है ना छेना फाड़ना पड़ता है, कभी सूप देना पड़ता है। तो एज अ नर्सिंग ऑल्सो यू आर वर्किंग इन दैट थिंग, और बर्थडेज के टाइम एज अ कुक यू आर वर्किंग, लेट नाइट तक पार्टीज होता है, एज अ मेड यू आर वर्किंग। तो इस तरह से मैं रिलेट कर रही हूँ कि आप कितने आवर्स काम कर रहे हो एज अ इंडियन वूमेन। अगेन कोई चीज़ से नहीं, एक भारतीय नारी की किस किस टाइम पे काम कर रही है, श्राद्ध आ गए हैं तो उस टाइम पे भी आपको है ना पंडितों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। तो टोटल अपन वेस्टर्न कल्चर की तरफ मैं नहीं देख रही हूँ, इंडियन कल्चर की तरफ देखते हुए मैं कितने घंटे काम कर रही हूँ उससे मैं अपने आप को जोड़ रही हूँ। जी तो कितने आवर्स वुमन्स को काम करना चाहिए किचन में, और इससे किस तरह से उनकी हेल्थ सही रहती है, वो हेल्दी रहती है और अपना किचन को भी हेल्दी रखती है और खुद भी हेल्दी रहती है, इसके लिए हमने ये स्पेशली किचन सीरीज़ का, कले किचन सीरीज़ का आयोजन किया है। और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हाँ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और नए एपिसोड में और भी नई जानकारी मिल सके। तो प्रीति जी ये तो हमने किचन के लिए जो महिलाओं के लिए बात इतनी अच्छी हमने की है, और काफ़ी सारी महिलाओं अच्छी तरह से उसको देख भी रही है, और कई कई लोगों के मुझे ऐसे भी रिस्पॉन्स आए कि जिस तरह से आपने एपिसोड में हमें बताया उस तरह से हमने हमारे किचन को हेल्दी रखने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि लोग ये एपिसोड को बहुत ही अच्छी तरह से देख रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि किचन में स्टोरेज, सबसे ज़्यादा किचन में, जैसे आजकल के किचन में किचन बड़ा होता है या छोटा होता है, पर इतनी सारी चीज़ें किचन में होती है कि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ रखी, हमको खुद को ही नहीं पता चलता है। तो स्टोरेज कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताइए। जैसे आप कुछ इमेजेस यहाँ पे पहले मैंने डाल रखी हैं, उससे अपन है ना थोड़ा सा नज़र डालेंगे कि अपना बेसिक किचन की नीड्स क्या है। अपने बेसिक किचन की नीड्स है चावल, आटा, दाल सब तरह की, और फिर अपना सब्जियाँ अपने जो है किचन की, स्पाइसेस है, घी तेल है, चीनी चाय पत्ती है, और आजकल मैं बोलूँगी प्रिजर्वेटिव्स इन द दिस सॉस है, फिर आपके चिप्स हैं, और फिर जो भी आपके रेडीमेड कुक्स मसाले हैं, तो वो सब चीज़ें स्नैक्स है, तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो गई है ज़्यादा। और पहले के टाइम पे क्या होता था, बेसिक से पे अपने आटा दाल चावल और सब्जियाँ और ये स्पाइसेस, तो उससे अपना किचन बन जाता था। पहले को है ना स्टोरेज इतने आपने देखे होंगे, एक छोटा सा बाफला होता था एंड उसके अंदर पूरा किचन फुलफिल, और ज़्यादा करो अगर साल का करते थे तो एक माजा बनाया जाता था। तो ये मैं हमेशा बैक की इसलिए बात कर रही हूँ, आपको लगेगा पिछले में क्या होता था, क्योंकि आज अपन स्टोरेजेस किस लिए यूज़ कर रहे हैं वो मेरा मेन मुद्दा इस पे है।
अपने आज स्टोरेज यूज कर रहे हैं, साल भर का चीजें भर रहे हैं, लेकिन उस भरने के पीछे अपने का ये है कि आप अगर आप मेंटेन कर रहे हो इट्स वेल एंड गुड। पहले की औरतें एक्चुअली घर में ही रहती थी, पहले के है ना जमाने में किराने के स्टोर्स नहीं होते थे, डोर टू डोर आपको सर्विसेज नहीं मिलती थी, और पहले के टाइम पे आपको है ना बर्तन भी इकट्ठे इसलिए करने पड़ते थे कि आपको है ना एक जगह पे अगर सडनली कोई आ जाता था या फंक्शंस होते थे और आपकी बड़ी फैमिलीज रहती थी। आजकल की दुनिया में मैंने देखा एक दो ब्रदर्स, तीन ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके हिसाब से अपन ने पुरानी लकीर अपन चलाया जा रहे हैं, लेकिन अपन ने स्टोरेज कम नहीं किया। जैसे मेरे कल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि सासू से बात हुई तो उन्होंने बोला कि इतना सारा अनाज अपने को भरना पड़ता है। उन्होंने एक सडनली एक ही पॉइंट बोला, कोई अचानक अगर किसी की मृत्यु हो जाती, कोई अचानक कोई घर पे आ जाए तो मैंने कहा आप एक दिन के लिए मुझे 365 दिन आप मुझसे काम करवाएंगे, 365 दिन मुझे मेंटेन करना है। बिल्कुल, एक दिन अचानक आता स्विगी जोमेटो में सब क्या चीज़ आपको ऑनलाइन नहीं मिल रही है, तो आप मुझे 365 दिन क्या मुझे खुश रखेंगे। अब दिवाली भी आ रही है तो सबको क्या होता है परेशानी से, स्टोर रूम करना है क्लीन, किचन करना है क्लीन, तो आपको हेडेक क्यों। मैं कह रही हूँ एक एक मोमेंट आपको एंजॉय करना चाहिए। जैसे आप बेडरूम कैसे एंजॉय करते हो, आप अपनी हॉबीज कैसे एंजॉय करते हो, यू शुड एंजॉय दिस थिंग ऑल्सो एज अ किचन, लेकिन यू शुड नॉट बी हेडेक। आपकी पहले की औरतें सब है ना सारा काम करती थी, उनके सारे बिग फैमिली होती थी तो उनके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे काम, आज अकेली एक लेडीज पे ही सब कुछ आ जाता है, उनको लिस्ट बनानी पड़ती है, मेंटेन करना पड़ता है एवरीथिंग। पहले तो काफ़ी बड़ी फैमिलीज में तो किसी को खाली मेंटेन ही करना है, किसी को खाली सफाई करना है, तो किसी को खाली कपड़े धोना है, तो आज वो तरीका नहीं होगा। सिंगल सिंगल फैमिली रहती है और सिंगल सिंगल सब काम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि उनको सारे काम उनको अकेली लेडीज को ही करना पड़ता है। तो दिस इज द थिंग कि क्रॉकरी आप बसाइए, लेकिन आपके कितने पर्सन हैं, दो हैं तीन हैं, उसके हिसाब से बसाइए। ऐसा नहीं कि आपको ना बताना है कि मैं आई कैन डू दिस थिंग, मेरे पास इतने चार तरह के बाउल्स हैं, तो वो शो ऑफ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जितना इजी वे में गोइंग हो किचन, और तो उतना ही अच्छा स्मेलिंग फेस के साथ आपका खाना बनेगा, नहीं तो हैट्रिक रहेगा भाई अभी जाएंगे तो फिर मुझे साफ सफाई करनी है जी। तो दिस इज द थिंग, तो बेसिक स्टोरेज पे अपने को अपना ध्यान रखते हुए अपना स्टोरेज होना चाहिए जी, मतलब कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही किचन में होना चाहिए। अगर ज़्यादा हम रखेंगे तो हमें ही कभी कभी मुश्किल हो जाएगी कि कभी कुछ ज़रूरत की चीज़ हमें जब चाहिए तब हमें वो नहीं मिलती है, ऐसा भी हो सकता है। तो किचन में मतलब जितनी भी आपको ज़रूरत है उतनी ही चीज़ रखेगा तो आपका किचन वैसे ही हेल्दी रहेगा और आप भी हेल्दी रहेंगे। तो ये हमारे तीसरे एपिसोड में हम यहीं तक आज बात ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में और भी सारी बातें लेके आपके साथ हम उपस्थित रहेंगे, लेकिन ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े रहिए जी। ज़रूर आप एक शायरी भी सुना दीजिए जी। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करते करते, ये चीज़ किस लिए बोली जा रही कि आप दूसरों को खुश करने में आप बसा रहे हो अपना सब चीज़ें। बिल्कुल, जिंदगी गुजर गई सबको खुश करते करते, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, मेहमान आ रहे हैं कोई बाहर का गेस्ट आ रहे हैं, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे उसे खुशी नहीं किया। वाह क्या बात है दीदी जी, धन्यवाद जी। तो यही हाँ बस हम नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ऐसे ही फ्रेंड के साथ ये जो एपिसोड हमारा है ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हेल्दी किचन कैसे रखना है और आप हेल्दी कैसे रह सकते हो वो ज़रूर आपको इस एपिसोड के द्वारा जानकारी मिलेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, धन्यवाद।